अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एवरेज कैसे निकालें और एवरेज का फॉर्मेट कैसे कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक एक्सेल के अंदर फॉर्मेट तैयार किया है जिसके अंदर हमने सीरियल नंबर, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और एवरेज लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने फाइंड किया हुआ है वो है एवरेज, इस चीज को हमने फाइंड किया हुआ, ठीक है, और हमने इस फॉर्मेट को बनाया हुआ। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को बनाएंगे, उसके बाद हम एवरेज को निकाल के बताएंगे और फॉर्मूला लगा के बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम खोल लेंगे एक्सेल, कोई सीट खोल लेंगे हम, और हमारे पास सीट नंबर ये वाला होगा। आप लोग अगर एक्सेल की वीडियो देखते आ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपने ये वाली सीट जरूर बनाई होगी। तो इसी सीट को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और फिर कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर आप नए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ से आप एक्सेल के जितने वीडियो है मेरा वो स्टेप बाय स्टेप देखिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। कहीं कहीं से वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसीलिए आप शुरू से, मतलब जहाँ से मैं सिखा रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से शुरू कीजिए। और मैं अभी जो हूँ, अभी मैं हूँ सीट नंबर 11 पे, तो आप पहले 1, 2, 3, 4 देखिए, सीरियल वाइज आप देखते जाइए, उसके बाद आपको समझ आएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर देना है, यहाँ से कॉपी कर देना है या कंट्रोल सी कर देना है, कंट्रोल सी से भी कॉपी होता है। उसके बाद हम चले जाएंगे सीट पे और यहाँ पे एक कॉलम एक रो छोड़ देना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, शो हो जाएगा हमारा जो है सीट पे, शो हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लो, छोटा कर लो अपने हिसाब से, और यहाँ से हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इतना पे हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से जूम माइनस प्लस से जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे एवरेज, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ क्लिक करके इसको हम खींच देते हैं इतना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉर्डर लगा देंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और चले जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और क्लिक कर दीजिए, छोड़ देगा, सिलेक्ट छोड़ देगा। उसके बाद इसको मर्ज कर देना है यहाँ से, और फिर से इसके बाहर क्लिक करना है, फिर से इसके ऊपर जाना है फिर से, और फिर इंसर्ट करना है यहाँ से, इंसर्ट रो करेंगे तो हमारे सामने एक रो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे सीट नंबर 11, क्योंकि सीट नंबर 11 में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जूम करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको हम बोल्ड कर देंगे और इसको हम यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्लिक करेंगे एवरेज के ऊपर और हमने करना है इसके अंदर कलर, तो हम कलर कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि याद रहे कि हम इसको फाइंड किए, ठीक है, जिस जो जो सीट हमने बनाया है, ठीक है, उसमें हमने कलर किया, देख सकते हैं जो जो फाइंड किया हमने उसके अंदर कलर किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कलर कर देना है, बाकी आप देख लीजिए जो भी कलर करना चाहते हैं, मैं तो एक ही कलर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर एक ही कलर नहीं होगा तो मैं बाद में कलर चेंज कर लूँगा, लेकिन मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, सभी पे मैं कलर कर रहा हूँ, जिस जिस को बता रहा हूँ कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे मुझे कि मैंने इसको फाइंड किया। अब इस तरीके से हम फॉर्मेट को बना लेंगे, आप लोग भी इस तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए वीडियो को देख देख के। अब यहाँ पे फाइंड करना है, तो इक्वल एवरेज AVER AG ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा लेना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर एंटर कर देना, ये आ गया आपका 68 इसका एवरेज है। इसी तरीके से अगला निकालेंगे इक्वल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एवरेज AVER AGE ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, इस तरीके से ये निकल जाएगा, दो निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और माउस दबा के इस तरीके से, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, डाउन एरो एक बार दबाना है,
ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से जब सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए पतला सा प्लस बन रहा है, देखिए ऐसे ये वाला प्लस बन रहा है, ये वाला जो बना है क्लिक करके डाउन कर देना है इस तरीके से, देखिए अब छोड़ देना है, ठीक, क्लिक करके डबल क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ पे सेंटर में कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने एवरेज को निकाल दिया और यहाँ पे हमारा बॉर्डर रह गया है, तो बॉर्डर हम लगा लेते हैं यहाँ से और बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम एवरेज को फाइंड किया फॉर्मेट को बना के। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम नवा कुछ लेकर आएंगे। इस वीडियो के अंदर जो कुछ बताया आपको अच्छा से समझ आई हो, धन्यवाद।